हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन है। इसका सेक्शन 5 कहता है, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसी सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं जिनमें ये द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू नहीं होता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टियां हैं जिन पे ये हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होता है? सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर किसी दो हिंदू पर्सन की मैरिज द स्पेशल मैरिज एक्ट 1925 के तहत हुई है तो उसका सेक्शन 21 किसका, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1925 का सेक्शन 21 कहता है कि उसका जो उसके उत्तराधिकारी होंगे उनमें प्रॉपर्टी द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत नहीं डिवाइड होगी, वो द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत उनमें बांटा जाएगा। क्या होता है कि अगर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1925 के तहत मैरिज हुई है तो उसका सेक्शन 21 कहता है कि उनका जो उत्तराधिकारी हैं उनमें जो उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत डिवाइड की जाएगी, उन पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 लागू नहीं होगा। इसका सेकंड पार्ट कहता है कि इसका सबसेक्शन सेकंड कहता है, एनी स्टेट व्हिच डिसेंट टू ए सिंगल हेयर सिंगल हेयर बाय ए टर्म्स ऑफ एनी कोवेनेंट और एग्रीमेंट इन टाइप entered into by a ruler of any Indian state with government of India or by the terms of any enactment passed before the commencement of this act. इस act के पहले किसी भी state, पहले छोटे छोटे states होते थे, उन state में अगर कोई शासक जिसका सिंगल हायर है, सिंगल हायर है मतलब उसका इकलौता उत्तराधिकारी है और उसने किसी रूलर अगेंस्ट इंटर इनटू बाय एनी रूलर अगर बाय एन इंडियन स्टेट अगर उसने किसी रूलर से उसने कोई एग्रीमेंट कर रखा है और वो किसके द्वारा कर रखा है, गवर्नमेंट के द्वारा, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट गवर्नमेंट से किसी स्टेट के जिसका सिंगल वारिस है उसने कर रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी इंडियन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत नहीं सेल की जाएंगी, नहीं उनके बंटवारा होगा। इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई स्टेट का जिसका सिंगल वारिस है और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उसकी प्रॉपर्टी द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत नहीं डिवाइड होगी। अब इसका थर्ड सबसेक्शन थर्ड कहता है, विलियम्स तंबुरान कोविलगम संपदा, जो ये संपदा है और पैलेस फंड को जो एंड महाराजा कोचीन इनकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत डिवाइड नहीं की जाएगी। ये इसका सबसेक्शन थर्ड कहता है। अब ये जो डिवीजन है ये डिवीजन कैसे डिवाइड होता है, अगर 20 दिसंबर 2004 के पहले इनका बंटवारा हो गया है तब फिर ये एक्ट उसमें अप्लाई नहीं होगा। किस डेट के पहले,
20 दिसंबर 2004 के पहले अगर उनका बंटवारा हो गया है, प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई है, सक्सेशन के अंतर्गत सक्सेशन में जो उत्तराधिकारी थे उनमें प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई है, तो ये एक्ट वहां पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर उनकी प्रॉपर्टी उनके लड़कों में डिवाइड हो गई, पहले लड़कियों का अधिकार नहीं था, और अब वो लड़कियां अगर क्लेम करना चाहेंगी तो नहीं होगा, क्योंकि वो 20 दिसंबर 2004 के पहले उनमें ऑलरेडी बंटवारा हो चुका है और उनके नाम सब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आ चुके हैं। तो ये इसका सेक्शन 5 कहता है। अब सेक्शन 6 क्या कहता है? डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्शनरी प्रॉपर्टी, जो सहभागीदारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में है, वो कैसे डिवाइड होगा, इसमें ये अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 6, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जुडिशियल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इसमें कहा गया है कि इसका सब सेक्शन फर्स्ट कहता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली गवर्न बाय द मिताक्षरला द डॉटर्स ऑफ द को पार्सनर्स, जो उसकी जो हिंदू फैमिली, जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली मिताक्षरला के द्वारा गवर्न होती है, उनमें उनके लड़कियों का इसमें अधिकार दिया गया कि लड़कियों को कितना प्रॉपर्टी में उत्तराधिकारी में उनका राइट रहेगा, उसके बारे में बताया गया। सेक्शन 6 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज 1 में कहा गया, बाय बर्थ बिकेम को पार्सनर सेम एज सन, जब लड़की का जन्म होगा वो जन्म से ही उस लड़के के बराबर हक रखेगी जो उस व्यक्ति का बेटा है। मतलब बेटे और बेटी का बर्थ से उसके उत्तराधिकारी सक्सेशन में बराबर का राइट रहेगा, उसके बराबर का प्रॉपर्टी में हक रहेगा। इसका सेकंड पार्ट का सबसेक्शन फर्स्ट का क्लॉज सेकंड कहता है, सेम राइट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी एज सन, अगर किसी लड़की की शादी हो जाती है, अभी तो क्या था, बाय बर्थ हुई तो लड़का और लड़की साथ और एक ही जगह पर रह रहे हैं और उनका सेम राइट है, लेकिन अभी जब मैरिज हो गई वो दूसरे जगह पर चली गई, वहां से क्या उसका राइट सेम उसके फादर या उसके जो पूर्वज हैं उनके प्रॉपर्टी में बना रहेगा? तो इसमें कहा गया कि मैरिज के बाद भी उसका वही राइट रहेगा जो उसका कुंवारे में राइट था, मतलब जो फादर के पास जब थी जो राइट था वही राइट आफ्टर मैरिज उसका बना रहेगा। अब इसका क्लॉज 3 कहता है, सेम लाइबिलिटीज एज सम सन, जैसे बेटे की लाइबिलिटीज होंगी वैसे ही उस प्रॉपर्टी में बेटी की भी लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी इट मीन्स अगर उसमें कोई डेब्ट है, जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, इलेक्ट्रिक बिल है, या कोई कर्ज है उस प्रॉपर्टी में जिसको ट्रांसफर किया गया, या और कदर कोई लाइबिलिटीज हैं, तो वो लाइबिलिटी जैसे सन अदा करता वैसे ही अब अगर उसका शेयर आता है बेटी का, तो बेटी को लाइबिलिटी बनेगी कि वो उसका कर्ज या अदर कोई उस पर लाइबिलिटीज है तो उसको वो अदा करे। ये इसमें क्लॉज 3 में कहा गया। अब इसका सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 क्या कहता है, एनी फीमेल एंटाइटल्ड बाय सबसेक्शन 1, अगर कोई भी फीमेल अगर सबसेक्शन 1 के तहत उसको उत्तराधिकारी में प्रॉपर्टी मिली है, तो वो प्रॉपर्टी ऐसी होगी जैसे अब उसकी वो पूर्ण तरीके से ओनर होगी, उसकी वो वेल कर सकेगी, सेल कर सकेगी, वो उसका फुल ओनर होगी। वो जो प्रॉपर्टी उसको मिली वो किसी भी एक्ट के द्वारा उससे छीनी नहीं जा सकती, जो उसको प्रॉपर्टी द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के सबसेक्शन 2
में ये बताया गया कि अगर उसकी प्रॉपर्टी जो सबसेक्शन 1 के द्वारा मिली है उत्तराधिकारी लड़कों के बराबर, वो प्रॉपर्टी किसी भी एक्ट के द्वारा उसको या किसी भी लॉ के द्वारा उसको छीना नहीं जा सकता, वो उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वो पूर्ण ऑनर होगी, वो उसको ट्रांसफर कर सकेगी। अब इसका सबसेक्शन 3 कहता है, इफ आफ्टर द स्टार्ट हिंदू सक्सेशन, जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 2005 से बना, उसके बाद में अगर किसी हिंदू फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, इट मींस जैसे फादर और उसका 2 बेटे और 1 बेटी है, तो इसके सब क्लॉज 1 में कहा गया कि पहली बात तो बेटा और बेटी का बराबर राइट होगा, वो पहले भी आ चुका है, इसके क्लॉज 1 में कहा गया कि उनमें बेटे और बेटियों का बराबर राइट होगा। सेकंड पार्ट कहा, अगर उसका कोई सन या कोई डॉटर की डेथ हो जाती है, उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो जो उसका शेयर होगा, किसका, सन का, जो सन का शेयर होगा, सन का शेयर इट मींस जैसे ये फादर था और फादर के 2 सन थे, सन 1 सन 2 और डॉटर 1, अगर सन 1 की डेथ हो जाती है और इसकी मैरिज हो गई है, इसका भी एक बेटा है एक बेटी है, तो इसका जो फैमिली होगी, जो इसका शेयर होगा सन 1 का, वो इसकी फैमिली को, मतलब सन 1 और डी 1 को चला जाएगा। ये नहीं कि इनमें डिवाइड हो जाए, सन 2 और डी 1 में इनमें डिवाइड नहीं होगा। इनमें कहा गया अगर किसी सन या किसी डॉटर की मृत्यु हो जाती है, मिस हैपनिंग उसके साथ हो जाती है, तो उसका जो शेयर है उसके फैमिली को, मतलब उसके बेटे और बेटियों को चला जाएगा। ये इसका क्लॉज 2 कहता है। अब इसका क्लॉज 3 कहता है, अगर सन का सन डेथ हो जाए, इसका जो फादर था, फादर की प्रॉपर्टी थी और इसका सन की डेथ हो चुकी है, क्या हो गया, सन की डेथ हो चुकी और इस सन के 1 बेटा और 1 बेटी था, सन का सन मींस इसकी अगर डेथ हो जाती है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी, इसका ग्रैंडफादर हुआ, उसकी प्रॉपर्टी है इसके फैमिली में, मतलब सन 1 की फैमिली में, मतलब उसके जो बेटे और बेटियां होंगे उनमें उनका शेयर डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर बेटा खत्म हुआ तो उसकी फैमिली में, और उसकी फैमिली में उसका जो शेयर आया बेटे का, वो उसके फैमिली को, मतलब उसके बेटे और बेटियों को चला जाएगा। ये इसका क्लॉज 3 कहता है। अब इसका सबसेक्शन 4 क्या कहता है, फॉर रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट अगेंस्ट सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट ही कैन नॉट रिकवर बाय हिम, कहा गया कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई डेब्ट है, कोई कर्ज है, और वो व्यक्ति जिसने कर्ज लिया उसकी डेथ हो जाती है, तो कोर्ट अगर कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, इट मींस वो लिख करके जाता है कि मैं, मेरे बाद मेरे बेटे या मेरे उत्तराधिकारी अदा कर जाएंगे, ऐसे कोई एग्रीमेंट या करार करके नहीं जाता है, तो उस पर कोर्ट उनसे रिकवरी करने का आदेश ऑर्डर नहीं कर सकती। फॉर रिकवरी फॉर एनी डेब्ट, कोई भी कर्ज है किसी प्रॉपर्टी पर और उसका ऑनर, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, वो अगर कोई एग्रीमेंट या कोई लीगल ऐसी काम नहीं करके जाता है कि मेरे बाद इसके जो उत्तराधिकारी होंगे वो अदा करेंगे, ऐसा कुछ उसमें एग्रीमेंट नहीं है, तब फिर द हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 का क्लॉज 4 कहता है कि फिर कोर्ट उनके सन ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन से रिकवरी करने का आदेश नहीं करेगी। अगर कोई लिखित में लीगल ग्राउंड है तभी करेगी, अदरवाइज उनसे रिकवरी का ऑर्डर नहीं करेगी। लेकिन इसका लास्ट में इसका क्या है कि अगर
इस एक्ट के स्टार्ट होने के पहले, इट मीन्स 2005 के जब ये एक्ट बना उसके पहले, अगर कोई कर्ज है किसका, उसके ओनर का, और वो प्रॉपर्टी सक्सेसर में डिवाइड हो गई, तो एनी राइट ऑफ द क्रेडिटर नॉट इफेक्टेड फॉर रिकवरी ऑफ सन ग्रैंडसन ट्रांसफर टू द नेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस एक्ट के पहले है और उनसे उसके सन ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन रिकवरी करानी है, तो वो इस एक्ट, ये एक्ट उसमें लागू नहीं होगा और उनके जो रिकवरी है वो सक्सेसर के अगले में सक्सेसर करेगा, नहीं तो उसका अगला जो सक्सेसर आएगा, मतलब उनका उत्तराधिकारी जो नेक्स्ट आएगा वो उनको करेगा। अगर कोई डेब्ट इस एक्ट के स्टार्ट होने के पहले का है और जहां पर ये एक्ट लागू नहीं है, वहां पर अगर उनके सक्सेसर को डेब्ट रिकवरी करने का ऑर्डर है तो वो करेंगे, उसके बाद उनके जो सक्सेसर होंगे वो उसको करेंगे। लेकिन अगर ये एक्ट बन गया उसके बाद है तो फिर विदाउट लीगल ग्राउंड वो उससे रिकवरी नहीं कर पाएंगे, ये इसका सबसेक्शन 4 कहता है। अब इसके सबसेक्शन 5 में आ जाते हैं। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, नो अप्लाई टू अ पार्टीशन विच हैव बीन एफेक्टेड बिफोर 20th दिसंबर 2004। जो 20 दिसंबर 2004 के पहले का बंटवारा हो चुका है, जैसे हमने सेक्शन 5 में बताया था कि अगर 2004 के 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर उनके उत्तराधिकारियों में बंटवारा हो चुका है और उनका डॉक्यूमेंट में, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम आ चुका है, वहां पर उस बंटवारे पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब इसके नियम लागू नहीं होंगे, वो बंटवारा गलत नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति, उसके बेटे और बेटियां हैं और केवल बेटों में प्रॉपर्टी चली गई और प्रॉपर्टी उनके नाम आ चुकी है सरकारी रिकॉर्डों में, कब, 20 दिसंबर 2004 के पहले, उसके बाद अगर बेटियां क्लेम करती हैं या अदर कोई क्लेम करता है, तो चूंकि बंटवारा हो चुका है इसके पहले, इस एक्ट के लागू होने के पहले, तो फिर वहां पर वो इफेक्ट, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 इफेक्ट नहीं करेगा और वो बंटवारा जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये सिंपल रूल थे, बट सेक्शन 6 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेक्शन 7 से है, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।